बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम पढ़ेंगे पावर एम्पलीफायर्स के बारे में और क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर के कंटेंट्स हैं, व्हाट इज पावर एम्पलीफायर। सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर एम्पलीफायर क्या होता है, फिर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ पावर एम्पलीफायर्स, एंड एट द एंड वी विल सी क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर के बारे में हम कह सकते हैं कि द पावर एम्पलीफायर्स आर कॉमनली यूज्ड टू एम्पलीफाई द स्मॉल सिग्नल्स, यानी कि ये छोटे सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं और रीडेबल बनाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सिग्नल आ रहा है, उसको हम सेंस तो कर रहे हैं लेकिन उससे जो डेटा हासिल करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा, तो हम उसे एम्पलीफाई करेंगे। पावर एम्पलीफायर्स हमारे पास करंट को भी एम्पलीफाई करते हैं और वोल्टेज को भी एम्पलीफाई करते हैं एट अ टाइम, जिसकी वजह से हमें पावर गेन मिलता है, यानी कि पावर एम्पलीफायर हो जाता है जिसकी वजह से। लेकिन इसकी वजह से एक मसला क्रिएट हो जाता है, वो है ईट जनरेटेड, यानी कि जब एम्पलीफिकेशन प्रोसेस होता है तो इससे ईट जनरेट होता है। लेकिन इस ईट को हम किसी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ईट सिंक को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ एम्पलीफायर्स। परफॉर्मेंस पैरामीटर में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एम्पलीफायर एफिशिएंसी। किसी भी एम्पलीफायर या किसी भी पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ इनपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर, यानी कि जितना इनपुट पावर आ रहा है उसको हम अगर आउटपुट पावर इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो हमें एम्पलीफायर एफिशिएंसी मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन के बारे में हम इस तरह इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज इन आउटपुट वेव शेप फ्रॉम द इनपुट वेव शेप ऑफ एन एम्पलीफायर इज नोन एज डिस्टॉर्शन। यानी कि डिस्टॉर्शन का एक फैक्टर ये है कि हमारे पास जब भी ट्रांजिस्टर स्विच ऑन ऑफ होता है तो ये जो दरमियान में एक टाइम आ जाता है जिसकी वजह से वेव में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको हम डिस्टॉर्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी। किसी भी एम्पलीफायर में ये खासियत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एम्पलीफायर है उसमें पावर ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो इसकी वजह से उसमें ईट भी ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। तो अगर कोई भी एम्पलीफायर जितना भी हम अच्छा ईट सिंक यूज़ करेंगे तो हमारा एम्पलीफायर उतना अच्छा होगा, उसमें पावर डिसिपेशन की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स। क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स इनकी मेन खासियत ये है कि इनका क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन या लोड लाइन के सेंटर पर रखा जाता है या होता है, ठीक है। अभी इसके लिए हमारे पास इसकी क्यू पॉइंट जब सेंटर पे होगा तो लोड लाइन में जो करंट लोड लाइन से जो सिग्नल आ रहा है कंप्लीट साइकिल के दौरान ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और सिग्नल कम्प्लीटली स्विंग कर सकता है फ्रॉम मिनिमम लेवल टू मैक्सिमम लेवल। यहाँ पे मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मिनिमम में हमारे पास कट ऑफ रीजन आ जाता है और मैक्सिमम में हमारे पास सैचुरेशन रीजन आ जाता है, तो इसका मतलब दरमियान में जो रीजन रह जाता है वो एक्टिव रीजन होता है, उसी एक्टिव रीजन में ये काम करता है और कम्प्लीट एक्टिव रीजन में ये स्विंग कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्लास ए पावर एम्पलीफायर के बारे में। इसकी पहली खासियत ये है कि इसमें जो सिग्नल है उसको हम डिस्टॉर्शन रीजन से बाहर रखते हैं, यानी कि डिस्टॉर्शन रीजन जो कि हमारे पास 0 वोल्ट से 0.6 वोल्ट फॉर लीनियर वी कैन से दैट फॉर सिलिकॉन, सो इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व इस रीजन में नॉन लीनियर होता है, तो हम क्लास ए पावर एम्पलीफायर के सिग्नल को इस लेवल से आउट रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम लीनियर रीजन में ऑपरेट करते हैं।
एंड देन क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स हैव हाई पावर डिसिपेशन. थियोरेटिकली देयर एफिशिएंसी इज 50%, बट प्रैक्टिकली देयर आउटपुट एफिशिएंसी इज 25%. इस बात का मतलब ये है कि अगर हम इनके एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें तो हमारे पास 50% आ जाता है, बट अगर हम इसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करें तो हमारे पास इसका एफिशिएंसी 25% होता है. और इसकी और एक और खासियत ये है कि इसका आउटपुट सिग्नल 360 डिग्री वेरी करता है, यानी कि 360 डिग्री में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं. एंड देन द सिग्नल डज नॉट क्लिप, यानी कि सिग्नल क्लिप नहीं हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक कर्व, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक छोटा सिग्नल है और ये एक बड़ा सिग्नल है, लेकिन यहाँ पे इसका क्यू पॉइंट भी सेंटर पे है, इसका क्यू पॉइंट भी सेंटर पे है. तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर की ये खासियत है कि अगर आपके पास सिग्नल छोटा आ रहा है तब भी वो इसे एम्पलीफाई करेगा विदाउट क्लिपिंग, और अगर सिग्नल आपके पास बड़ा आ रहा है तो वो तब भी आप उसको एक मखसूस रीजन के अंदर एम्पलीफाई कर सकते हो विदाउट क्लिपिंग. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये सिग्नल आ रहा है, ये तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसका क्यू पॉइंट यहाँ पे, अगर इस सिग्नल को हम बढ़ा देते तब भी ये ऑपरेट हो सकता था, लेकिन अगर हम इस सिग्नल को बढ़ाए तो तब ये अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके कट ऑफ रीजन या सेचुरेशन रीजन में चला जाता है. फिर हम इसके एडवांटेजेस को देखते हैं. एडवांटेजेस ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर, सिंपली हम कह सकते हैं इट्स डिजाइनिंग इज सिंपल. इट हैज इम्प्रूव्ड हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बिकॉज द एक्टिव डिवाइस इज ऑन फुल टाइम. यू कैन से दैट नो टाइम इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द डिवाइस. देयर इज नो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन बिकॉज द एक्टिव डिवाइस कंडक्ट्स फॉर द एंटायर साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल. नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ड्यू टू द लार्ज पावर सप्लाई एंड हीट सिंक क्लास ए एम्पलीफायर्स कॉस्ट हाईली, या इसके कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा बल्कि अजीब सा होता है, एंड इट इज़ पुअर एफिशेंसी. फॉर एग्जाम्पल इसकी एफिशेंसी बहुत कम है, 30%. और ट्रांसफार्मर कपलिंग को यूज़ करके इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी अच्छी नहीं होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से भी इसका इफेक्ट होता है. सो थैंक्स. अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड एट द एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू.